प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस हम फ्रेम करेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं लिख रखा हूँ मैंने, और उन सेंटेंसेस के हम ट्रांसलेशन करेंगे इन इंग्लिश, और उसके बाद साथ लगे हाथ हम कर देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, ये जो वीडियो है, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर ये वीडियो है। प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो, ये दिस इज द वीडियो नंबर 15। कौन सी वीडियो भाई? 15वीं वीडियो है। वी आर ऑलरेडी डूइंग फ्रॉम दिस टेंस टेंस 1 2, मतलब 14th वीडियो ये कहलाएगी। हमने 15 तक कर लिया क्योंकि 14th मेरे को प्रैक्टिस सेशन डालना था। तो दिस इज द 14th वीडियो विच आई एम मेकिंग राइट नाउ, और 15th इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के मैंने कंसेप्ट समझा दिया अच्छे से। यू कैन वॉच दिस वीडियो, वीडियो नंबर 14। अब हम देखिए क्या होता है। एक बेसिक आपको कंसेप्ट बता दूं कि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल देर विल बी सब्जेक्ट, इज एम आर में से कोई सा भी आप एक लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन नोट लगाएंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड देन द ऑब्जेक्ट। इफ इट इज द टेंस ऑफ, इट इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव, देन यू विल पुट इज एम आर इनमें से। हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। कभी भी आपको क्वेश्चन मार्क पूछना हो, इंटरोगेटिव का कोई सेंटेंस हो, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है दैट विल कम फर्स्ट, सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज गो एंड वॉच वीडियो नंबर 12 13 14 14 नहीं 15। प्ले लिस्ट में मैंने डाली हुई है, आप वहां से देख लीजिए। यू कैन फाइंड द लिंक बिलो। ठीक है, अब आ जाइए सेंटेंस के ऊपर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस, एक एक हम सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू नेगेटिव, आफ्टर दैट विल डू नेगेटिव इंटरोगेटिव। वह नहीं खेल रहा है, बताइए तो जरा क्या होगा? वह नहीं खेल रहा है तो वेरी गुड, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, यही होगा। यस एग्जैक्टली यही होगा, वेरी गुड, ही इज नॉट प्लेइंग। अब इसका अगर मान लीजिए इंटरोगेटिव बनाना होता तो क्या आप लिखते? क्या वह नहीं खेल रहा है? क्वेश्चन अगर होता तो इसका क्या बनता इंटरोगेटिव में? क्या वह नहीं खेल रहा है तो क्या लिखते हैं आप? इज ही नॉट प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंड देन द क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, मैं खाना नहीं खा रहा हूं तो क्या लिखेंगे बताइए? यस आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, ये हो गया। इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? एम, आई के साथ क्या आता भाई? एम, एम आई नॉट ईटिंग। हम दोनों सेंटेंसेस साथ में ही बना रहे हैं। इंटरोगेटिव प्रश्न कोई नेगेटिव में पूछे तो कैसे बनाना है? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। वह खाना नहीं बना रही है तो क्या आएगा? शी इज नॉट कुकिंग, शी इज नॉट कुकिंग। क्या वह खाना नहीं बना रही है, अगर यहां पे क्या लगा देते तो क्या आता? क्या वह खाना नहीं बना रही है तो क्या आएगा? इज शी नॉट कुकिंग, इज शी नॉट कुकिंग। एंड देन द क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वे नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। दूसरा बनाओ, खुद बनाओ। आर दे नॉट गोइंग, आर दे नॉट गोइंग। आया समझ में? आसान है। नेक्स्ट, सीमा नहीं रो रही है, सीमा नहीं रो रही है, सीमा इज नॉट क्राइंग, सीमा इज नॉट क्राइंग। क्या सीमा नहीं रो रही है? इज सीमा, इज सीमा नॉट क्राइंग, इज सीमा नॉट क्राइंग। देन द क्वेश्चन मार्क। वे शोर नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट making, they are not making a noise, they are not making a noise। और क्या वे शोर नहीं कर रहे तो क्या आएगा? are they not making a noise। वह नहीं आ रही है, she is not coming, she is not coming। question mark होता तो क्या लिखते आप? is she not
कमिंग, क्या वह नहीं आ रही है, आप नहीं चल रहे, यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, क्वेश्चन मार्क होता तो क्या लिखते, आर यू, aren't you going, आर यू नॉट गोइंग, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है तो उसमें लिख सकते हैं हम aren't you going. सीमा रो नहीं रही है, सीमा इज नॉट क्राइंग. क्या सीमा नहीं रो रही है, इज सीमा नॉट क्राइंग, आया ना ये रूल में, सबसे पहले रूल में हमने यही बताया था कि कैसे करना है. नेक्स्ट, वह गा नहीं रही है, वह गा नहीं रही है तो क्या लिखेंगे, शी इज नॉट सिंगिंग, सिंगिंग. वह क्या वह नहीं गा रही है, अगर यहां पे आप क्या लगा देते, क्या वह नहीं गा रही है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इज शी नॉट सिंगिंग, इज शी नॉट सिंगिंग. वह सड़क पार नहीं कर रही है, शी इज नॉट क्रॉसिंग, शी इज नॉट क्रॉसिंग द रोड. और यही क्वेश्चन मार्क में, शी इज नॉट क्रॉसिंग द रोड, यही इंटरोगेटिव में आता, क्या वह सड़क पार नहीं कर रही है तो कैसे लिखते, इज शी नॉट क्रॉसिंग द रोड. वह अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, ही इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम. अगर यही क्वेश्चन में आया था, क्या वह अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है तो आप क्या लिखते, इज ही नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, ये लिख लीजिए आप. मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू. क्वेश्चन मार्क होता तो क्या लिखते आप, एम आई नॉट, क्या मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं, क्या मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं तो एम आई नॉट वेटिंग फॉर यू. इतनी बात सुन में आ गई, एंड देन द क्वेश्चन मार्क. वह धीमी गति से गाड़ी नहीं चला रहा है, ही इज नॉट ड्राइविंग स्लो. और यही क्वेश्चन मार्क में होता, क्या वह धीमी गति से गाड़ी नहीं चला रहा है, इज ही नॉट ड्राइविंग स्लो. इज इट क्लियर. तो प्यारे बच्चों देखिए कितना 7-8 मिनट में ही हमने ये 15 सेंटेंसेस कर लिए हैं, एंड इन दिस 15 सेंटेंसेस वी हैव कवर्ड बोथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस एंड देन प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से देखते रहिए वीडियो, लिखते रहिए अपने नोटबुक में, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको बिल्कुल नहीं आएगा. तो कीप ऑन प्रैक्टिस और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट. टिल देन टेक केयर, खुश रहिए.